हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज शो दैट 1 + x log x + √x2 + 1 > = √1 + x2, वेयर x > 0। सो इसके लिए पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो हमारा की कंसेप्ट होगा कि जब हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा हो और फाइंड करना हो कि ये फंक्शन एफ एक्स एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तब हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। और एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन जीरो हो तब यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो तब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो अब हमें देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। सो इसके लिए पहले हम इस इनइक्वालिटी को देखकर एक न्यू फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। सो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x log x + √x2 + 1 एंड माइनस यहाँ से आ जाएगा √1 + x2। और हम देखते हैं अब कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सो यहाँ पर पहले हम f डैश x फाइंड करेंगे, सो ये तो हो जाएगा जीरो। देन प्लस पहले हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, सो यहाँ पर ये आ जाएगा log x + √x2 + 1। देन प्लस एक्स इंटू इसका आ जाएगा 1 / x + √x2 + 1 एंड देन इसका होगा 1 + 1/√x2 + 1 × 2x एंड देन इसका होगा -1/√1 + x2 × 2x। सो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा, ये होगा log x + √x2 + 1। सो यहाँ पर ये आएगा log x + √x2 + 1। देन यहाँ पर ये आएगा एक्स, यहाँ पर आएगा x / x√x2 + 1 और यहाँ से ये हो जाएगा, इस टू से टू कट जाएगा। सो हम इसको ले सकते हैं x / x√x2 + 1 एंड यहाँ पर ये आएगा x + √x2 / √x2 + 1। देन यहाँ पर आगे है हमारे पास, यहाँ पर ये होगा -x / √1 + x2। सो ये होगा -x / √1 + x2। सो इससे तो ये टर्म कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचेगा x / √1 + x2। सो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया इज इक्वल टू log x + √x2 + 1। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सो यहाँ पर हमें गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो हमें इस x से अब हमें ये फाइंड करना है कि इसकी रेंज क्या होगी। सो पहले हम क्या करते हैं, इसको x² कर लेते हैं। x² + 1 क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही √x² + 1 भी क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पर x की रेंज क्या है, ये 0 से बड़ा है। सो यदि मैं इसको और इसको ऐड करूँ, सो x + √x² + 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मीन्स इस कंप्लीट की जो हमारे पास फंक्शन है इसकी क्या है रेंज, ये 1 to ∞ है। और हम जानते हैं कि log के ग्राफ से जब हमारे पास ये log होता है तो 1 पर तो इसकी वैल्यू होती है 0 और उसके बाद ये होता है पॉजिटिव। सो इस रेंज में जब ये हमारे पास कंप्लीट फंक्शन एक से बड़ा हो, मीन्स एक्स क्या हो 0 से बड़ा हो, तब ये कंप्लीट फंक्शन जो है लॉग का ये होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर। सो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या है जब एक्स बराबर 0 हो। सो हमें एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1 + जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। सो यहाँ पर आएगा 1 + 0 - 1 दैट इज 0। मीन्स एफ ऑफ 0 क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये फंक्शन है एफ एक्स ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि जब एक्स बिलोंग्स टू 0 to ∞ हो तब एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ 0 होगा। मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। सो एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और फंक्शन एफ एक्स क्या था हमारे पास,
ये था 1 प्लस एक्स लोग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर यह आएगा 1 प्लस एक्स लोग, यहाँ पर था एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पर यह आ गया 1 प्लस एक्स लोग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें यही फाइंड करना था, हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ऑल द बेस्ट।